हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। हम आज रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जिसका प्रिंट यहाँ पे है, प्रिंट ऑफ व्यू। आज हम अपने ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में फिजिक्स का नया टॉपिक लेने जा रहे हैं और ये रिलेटेड है नेट रेजिस्टेंस निकालने से। नेट रेजिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम आज कराई जाएंगी और जो आज का लेक्चर है वो जेई के लिए और नीट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और RBSE एंड CBSE में भी वो नेट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम ऐसे ही कुछ पुराने सालों में आए हुए कोई गवर्नमेंट एग्जाम पुराने सालों में आई हुए गवर्नमेंट एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को करवाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये आया है MP PMT में, ये 1998 में आया है, 1998 में ये क्वेश्चन आया है। बाकी हम और क्वेश्चन कराएंगे तो हम एक तरह से ये बता देते हैं कि ये लेक्चर पूरा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है एक्स एंड वाई के बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है और ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। तो हम इनफाइनाइट हम कब तक जोड़ते जाएंगे, तो हम ये देखो यहाँ के बाद वापस यही चीज रिपीट होने लगी ना, ये चीज है। अब इसके बाद वापस ये रिपीट होने लग गया, बिल्कुल यही यही चीज, यानी इस पैटर्न के बाद आगे वाला पैटर्न सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। तो इसको हम पूरे को हमने मान लिया। सपोज दैट नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट RESISTANC नेट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R मान लिया हमने, टोटल रेजिस्टेंस हमने R मान लिया। तो इसके हम इसको इसके आगे का जो है ना उसको हम R लिख सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस R है, क्योंकि इनफाइनाइट में थोड़ा सा निकाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट में मान चलो मेरे पास इनफाइनाइट रुपए हैं तो मैं 1 रुपया निकालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम आगे करते हैं, ये है R और इधर ये एक्स, ये वाई, ये भी आ रहे और ये है, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, और इस बाकी आगे की जगह हम नेट रेजिस्टेंस आर लिख लेते हैं। अब इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, नेट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये देखो ये है वो पैरेलल में और इसके बाद जब इनका रेजिस्टेंस निकलेगा तो ये पैरेलल में। तो अब एक बार इसको निकालते हैं हम आगे करते हैं, ये आर है और ये भी आर है। अब ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 upon R1 plus R2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 यानी R और R2 यानी R, R1 R2 upon R plus R, और ये X एंड Y है। अब इसके बाद देखो ये तीनों सीरीज में आ गए तो तीनों सीरीज का फॉर्मूला होता है, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों सीरीज का होता है R1 plus R2 plus R3 सीरीज का। तो इसकी जगह हम लिख देंगे R plus R plus RR by R plus R, और ये नेट रेजिस्टेंस हमने क्या माना था, कैपिटल R माना था। तो R इक्वल्स टू 2R plus RR by R plus R। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R square क्या टू नो सॉरी सॉरी ये स्मॉल R है, क्या ये R plus R 2R small R है, तो ये हो जाएगा टू आर आर प्लस 2R square plus RR, इज इट क्लियर, अपॉन नीचे R प्लस R है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, वेट फॉर जस्ट सेकेंड, को सॉल्व करते हैं, आ जाएगा R square plus RR equals to 2R square plus RR। अब R square इस RR से ये कैंसल आउट, इस RR से ये कैंसल आउट, अब इस इनको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -2RR -2R square = 0। ये अब अपनी बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का होता है -b यानी 2R प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस मतलब आगे प्लस लाए थे, प्लस माइनस √b² यानी 4R square minus 4ac, तो माइनस और ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, +8R square upon 2। अब बाकी कैलकुलेशन तो तुम खुद कर लेना, बाकी पर मैं करवा रहा हूँ। तो 2R plus minus 2√3R by 2। अब हम इधर माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस माइनस में होता नहीं है, तो हम इसको सिर्फ प्लस ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो R plus R√3। अब R कॉमन ले लेंगे तो √3 plus 1 ओम, दैट इज द आंसर। तो गाइस अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी नेट रेजिस्टेंस निकालना है एक्स एंड वाई के बीच में। तो एक्स एंड वाई के बीच में निकालेंगे तो देखो
ये तो देखो तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, फिर ये सीरीज में आ गया, और इसके बाद ये आ गया, ये दूसरी तरफ से दूसरे छोर से जा रहे हैं, तो ये इनके पैरेलल में आ जाएगा, और ये आपस में सीरीज में है, मतलब ये वाले आपस में सीरीज में है और ये वाले आपस में सीरीज में, लेकिन ये इनका जो रेजिस्टेंस नेट है और इनका है वो आपस में पैरेलल में। तो अभी हम करके देखते हैं, आगे देखते हैं, ये एक्स है, ये तीनों पैरेलल में है, तो तीनों पैरेलल में है तो इसका रेजिस्टेंस क्या जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हम अभी निकालते हैं, क्यों इसको हम आर वन मान लेते हैं, इसको नेट इनका रेजिस्टेंस आर वन मान लेते हैं, और इधर क्या है 20 है, 20 है, और उसके बाद ये आ गया ये अपना 10, ये वाला अपना 10 इधर आ गया, और ये आ गया वाई, ना वाई आ गया, अब इस आर से एक 10 इधर जुड़ा हुआ है, तो मैं इधर करके इधर लिख लेता हूँ क्योंकि तार एक ही है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे लिख लो 10, उसके बाद क्या आ गया अपना आ गया 20, उसके बाद ये आ गया अपना 30 आ गया, और ये इनके बीच में ये रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब मुझे निकालना है आर वन, आर वन है तो इनके तीनों का नेट रेजिस्टेंस था आर वन, तो ये पैरेलल में तो होता है 1/R1=1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो आर वन हो जाएगा 30/3=10 ओम। तो आर वन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 10 ओम, 10 ओम लिख सकता हूं। अब देखो ये एक तार है, और तार है, और इधर भी एक तार है, केबल है, तो करंट इसमें से इनमें प्रवाहित होगा, तो इनकी इनमें जाने की वजह सीधे तार में निकल जाएगी, क्योंकि करंट उसी रास्ता चुनता है जिधर उसको नेट रेजिस्टेंस कम भोगना पड़ता है। जैसे एक तरफ 4 ओम वो रेजिस्टेंस 4 ओम हो और एक तरफ 6 ओम हो, तो 4 ओम वाले रास्ते से जाएगा, 6 ओम वाले से नहीं, तो यानी वो रास्ता सीधे इधर से निकल जाएगा, इस तरफ से जाएगा ही नहीं करंट, तो अगर करंट इधर से जा ही नहीं रहा तो इनका कोई रोल ही नहीं है, तो ये इनएक्टिव रेजिस्टेंस हो गए, तो इनको हटा सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि करंट सीधे इधर से निकल जाएगा, इसको इधर से कोई रेजिस्टेंस झेलना ही नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव रेजिस्टेंस की तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। तो हम आगे लिख सकते हैं इसको, ये अपना है निकाला था 10 और ये था अपना 20, अब इसको हटा सकते हैं, ये वाई आ गया अपना, अब नीचे है 10 और ये आ गया 20, ये वाई आ गया। अब देखिए दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो अब आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये एक्स आ गया, तो इन दोनों सीरीज में तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, यानी 20+10, ये हो जाएगा 20+10=30 लिख सकते हैं हम इस जगह पे, ये वाई आ गया, इसको भी 20+10=30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं जरूर 30। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आ गए तो पैरेलल का फॉर्मूला था 1/R1+1/R2=1/R, तो हो जाएगा 1/30+1/30, अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15 ओम आंसर, R=15 ओम, दैट इज द आंसर। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी एक्स वाई के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक ये स्टार टाइप की एक स्ट्रक्चर दिख रही है, और ऐसी स्ट्रक्चर आती है अपनी व्हीटस्टोन सेतु में, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो चैप्टर में आगे आएगा कि इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें इस ऊपर की तरफ का, ऊपर की तरफ को करते हैं, ऊपर वाली तरफ का रेजिस्टेंस यानी क्या है 2, और नीचे वाले का 4, जो आंसर आए ना ये कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और दूसरी तरफ जाओ, अब इस जो सेतु है इनको जोड़ रहा है इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ रहा है, ऐसे इसको इसको जोड़ रहा है, इसके इस तरफ जाओ, इस तरफ इनका क्या है, इधर क्या है, ऊपर 3 है ना, और नीचे क्या है 6, तो इनका रेशो भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी अगर इनका रेशो सेम आता ना, जैसे इसका अपॉन इसका इक्वल्स टू इसका अपॉन इसका, यानी इसको मान लिया मैंने पी, मान लिया इसको, मान लिया मैंने क्यू, और इसको मान लिया मैंने आर, और इसको मान लिया एस, तो P/Q=R/S आए ना, तो ये होता है व्हीटस्टोन सेतु, WHEAT-STONE, स्टोन सेतु, और इसमें है ना जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब P/Q/R/S हो, तो इनके बीच का ये व्हीटस्टोन होता है ना, इनको जोड़ने वाला, उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि इधर से कोई करंट प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इस तरफ के कारण करंट इस तरफ होती है जो इक्वल अमाउंट में होती है, और इसके कारण इस तरफ के तार के कारण इस तरफ के रेजिस्टेंस के कारण करंट इसमें इस तरफ होती है, और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो नेग्लेक्ट हो जाती है, यानी इस तरफ का यानी इसका कोई रोल नहीं होता। आप आगे जाके पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया होगा व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, यानी इसको हम हटा सकते हैं, तो इसको किया, ये आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना 4, और इसके आगे हो जाएगा 3,
और ये है अपना एक सेकेंड सिक्स, और ये वाई आ गया अपना। तो देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, तो हम इसको कर सकते हैं, ये तो एक्स है ही। अब ये सीरीज में, तो ये सीरीज में तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा सीरीज में होते तो आर वन प्लस आर टू यानी टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है, पता होगा आपने, टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव होगा। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि जितनी जल्दी आगे वो मेडिकल और जेई में थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट की जरूरत होती है, ऐसे नहीं कि अब टू प्लस थ्री करने भी उसमें बैठोगे, ऐसा संभव नहीं है। तो अब नीचे क्या है, नीचे भी सीरीज में तो इनका भी ऐड हो जाएगा, फोर प्लस सिक्स इक्वल्स टू टेन। अब देखो ये दोनों क्या आ गए, पैरेलल में आ गए या सीरीज में, आप खुद देखो, ये आ गए पैरेलल में यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आ गए तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू होता है, यानी वन बाई फाइव प्लस वन बाई टेन करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या जाएगा, वन बाई आर इक्वल्स टू वन बाई फाइव प्लस वन बाई टेन। एलसीएम लेंगे अपन, टेन लेंगे तो ये आ जाएगा टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री बाई टेन, तो आर आ जाएगा टेन बाई थ्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3.33 ओम। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये इस प्रकार की अपने को स्ट्रक्चर दे रखी है और हमें एक्स एंड वाई के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास टोटल पांच रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो जब इस प्रकार का आ जाए तो है ना, यानी पांच आ रहे हैं, तो हमने अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें चार आ रहे थे, उसके अलावा एक बीच में भी आ रहा था, पांच आ रहे थे, यानी व्हीटस्टोन सेतु बन रहा था, तो इसमें भी ऐसी कोई संभावना होगी। तो हम आगे करते हैं, पता चलेगा क्या होता है। यानी तो हमने पहले इसको सिंपलीफाई कर लिया, अब इसको कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रखा है, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला, इसको हम पॉइंट ए मान लेंगे, यानी पॉइंट ए मान लेंगे, दूसरा तार मान हो गया क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है ना, दूसरा हो गया, विभवांतर भी चेंज हो गया यहाँ पे, और इसको हम मान लेंगे पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट बी मान लेंगे। तो हमने ऐसे ही किया कि एक्स ये रहा और इधर पॉइंट ए मान लिया, इधर पॉइंट बी मान लिया, बाकी इधर वाई है ना, मान लिया। तो अब है हमें व्हीटस्टोन सेतु यानी पुरानी वाली जैसे कि जो स्टार टाइप की थी ना, एक चतुर्भुज के टाइप की, वैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक उसमें अटने की संभावना रहती है। तो अब हम करते हैं, अब देखो ये एक्स है, ये वाला एक्स है, एक्स एंड ए के बीच में कौन कितना रेजिस्टेंस है, आर है, तो एक्स एंड ए के बीच में ये मैंने चार उसी टाइप की बना ली, चतुर्भुज टाइप की वो स्ट्रक्चर थी ना, उसमें ऐसी थी, ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, फिर एक बीच में ऐसा था, तो ऐसी स्ट्रक्चर बना ली मैंने, ऐसे कर दिया, डॉट डॉट दर्शा लिया। अब मुझे इनके बीच में रेजिस्टेंस डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, एक्स एंड ए के बीच में कितना आर है, एक्स एंड ए के बीच में मैंने रेजिस्टेंस वो कर लिया डिक्लेयर आर, एंड एक्स एंड ए के बीच में आर कर लिया, एंड ये क्या है, ये है एक्स एंड बी के बीच में आर है, तो एक्स एंड बी के बीच में कितना आ रहा है अपने पास, ये है आर, ये भी आर आ रहा है, यानी ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब ये ए एंड बी के बीच में, ये ए पॉइंट, ये बी, ए एंड बी के बीच में अपना कितना आ रहा है, ए एंड बी के बीच में आ रहा है अपना आर, तो हम इधर भी आर लिख सकते हैं। देखो लगभग वैसी बनती जा रही है स्ट्रक्चर अपनी, आर हो गया। अब देखो ए यहाँ पे पॉइंट है और ये क्या है, वाई, तो इनके बीच में कितना आ रहा है, ये वाला ए और वाई वाले तार के बीच, ए और वाई वाले तार में आ रहा है, आर आ रहा है, तो ए को वाई से ये रहा, ए और वाई को कनेक्ट करेंगे और उसमें कितना आ रहा था, आर आ रहा था। ऐसे ही बी एंड वाई में कितना आ रहा है, ये भी आर आ रहा है, स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम वैसी बन गई अब, है ना, बन गई। तो मैंने बताया था कि व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन जब वैलिड होती है, जब इसका और इसका रेशो जो है वो इन दोनों का भी सेम होना चाहिए, यानी इसको मैंने मान लिया पी, पी माना था मैंने, इसको माना था मैंने क्यू माना था, और इसको मानता था मैंने इसको मैंने मान लिया एस मान लिया, सपोज करो इसको मान लिया मैंने टी मान लिया, तो पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू एस अपॉन टी होना चाहिए। तो आर अपॉन आर है ना, ये कितना आ रहा है, वन इक्वल्स टू एस अपॉन टी कितना, आर अपॉन आर, वो भी वन आ रहा है, यानी पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू एस अपॉन टी वैलिड हो रही है, वैलिड हो रही है, यानी वैलिड हो रही है। तब मैंने बताया तब ये बीच वाला होता है ना वो नेग्लेक्ट हो जाता है, वो उठा देता है, तो इसको उठा देंगे। तो अब तो बस सिंपलीफाई हो गया, अब आप खुद भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। ये अपना ए है, इसके बीच में कितना है अपना आर है, और ए एंड वाई के बीच में कितना आ रहा था अपना, वो भी आर आ रहा था, और इधर क्या है अपना बी है, ये भी आर है, एंड दिस इज आल्सो आर, सिर्फ इसको हटा दिया क्योंकि ये कंडीशन वैलिड हो रही है तो बीच वाला हट जाएगा। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, ये दोनों भी सीरीज में आ रहे हैं, तो अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई इसकी जगह लिख सकता हूँ आर प्लस आर यानी टू आर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आर प्लस आर इक्वल्स टू टू आर, एंड इसकी जगह भी मैं नीचे वाले की जगह भी आर प्लस आर इक्वल्स टू टू आर लिख सकता हूँ, टू आर लिख सकता हूँ। अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए तो वन बाई नेट रेजिस्टेंस कितना था, वन बाई आर डैश मान लिया क्योंकि इधर आर आ चुका है, तो वन बाई आर डैश इक्वल्स टू वन बाई टू आर प्लस वन बाई
टू आर, दैट इज 2/2r इक्वल्स टू 1/r, तो 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r, तो r डैश इक्वल्स टू r। जब इसको आप खुद भी सॉल्व कर लेना, इसको तो अब सिंपल मैथमेटिक्स है, तो r डैश बराबर r आ रहा है, दैट इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन भी वही है कि नेट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है x एंड y के बीच में, तो ये एक तरह की स्ट्रक्चर बन गई। तो ये देखो, ये वाला तार और ये वाला तार एक ही है, क्योंकि इनके बीच में इसके इस वाले के और इस वाले के बीच में ये दोनों एक ही हैं, तो इसको भी मैं एक्स वाला मान सकता हूँ, तो इधर एक्स हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी तार एक ही है, तो ये वाई है, इधर पॉइंट दर्शाया है, तो इधर सब जगह पे अपना यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई होगा, एक्स एंड वाई होगा। अब देखो सिर्फ दो ही पॉइंट आ रहे हैं अपने पास एक्स एंड वाई, अगर चार पांच आ रहे होते पॉइंट तो हम वीटी स्टोन से बनाते, तो एक्स वाई दो ही पॉइंट आ रहे हैं, तो हम इस तरफ एक्स रख लेंगे और इस तरफ वाई रख लेंगे। तो अब देखो इधर पहले वाला, ये देखो ये किस किस के बीच मारे, एक्स एंड वाई के बीच मारे, देखो एक्स एंड वाई के बीच में कितना आ रहा है अपना आर रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा है आर आ रहा है। अब ये वाला देखो ये कितना आ रहा है वाई एंड एक्स के बीच में, ये कितना आ रहा है वाई एंड एक्स के बीच में, कितना आ रहा है, ये भी आर ही आ रहा है। अब ये वाला देखो ये भी एक्स एंड वाई के बीच में आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये भी अपना टोटल आर आ रहा है। तो यानी अब देखो ये तीनों पैरेलल में आ गए, तीनों अब ये देखो पहले तो इतना देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, इसलिए तो देखने में इतना टफ लग रहा था, इतना सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होने के बाद अब देखो ये तीनों पैरेलल में आ रहे हैं, तो पैरेलल नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, देन 1/r इक्वल्स टू 1/r1 आ रहा है, r2 भी आ रहा है, r3 भी आ रहा है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r दैट इज 3/r, देन r इक्वल्स टू r/3 हो जाएगा। जब इसको वज्र गुणा कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस तरफ कर दो r, इसको इस तरफ कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, तो r इक्वल्स टू r/3, यानी नेट रेजिस्टेंस हमने क्या माना था r माना था, और वो कितना r/3 ओम, दैट इज द आंसर। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, आप हमें हमारा सब्सक्राइब करेंगे, जितने अच्छे सब्सक्राइबर होंगे उतना हम अच्छा वीडियो बना पाएंगे, तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ये आपके फ्यूचर के लिए, और आपको कहीं ना कहीं इसका काम ही पड़ेगा। अब ये फ्री कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो आपको इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, जेई में और या नीट में या अंदर के एग्जाम्स में ही जरूरत पड़ती रहती है, तो कृपया करके आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जल्दी हम नेट रेजिस्टेंस के और भी क्वेश्चन लाएंगे, उसके अलावा वोल्ट मीटर की है और अदर के फिजिक्स मैथ के भी हैं अपने इस अपनी ऑनलाइन स्टडी के चैनल पे, जाके दूसरे वो वीडियोस भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और उनको देखिए, ये सारे बढ़िया से वीडियो हैं, और एंजॉय कीजिए स्टडी को।